नमस्कार दोस्तों को मैं नाज़िमा आपकी स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। और अब वक्त हो चला है शाम की कुछ खास और अहम खबरों का। शासन से नामित कोरोना कंट्रोल के नोडल अधिकारी ने परखा स्वास्थ्य सेवाओं को, कोरोना मरीजों से वीडियो कॉलिंग कर जाना हालचाल, स्वास्थ्य सेवाएं मिली बेहतर और बेहतर बनाए रखने के लिए दिए निर्देश। शासन से नामित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हाथरस के कोरोना कंट्रोल अधिकारी मिस्टर सारंग ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ कोविड वार्डों का जायजा लिया। वार्डों में भर्ती कोरोना के मरीजों से वीडियो कॉलिंग के जरिए उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिली। उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां एक बैठक कर समीक्षा की कि कोविड 19 व्यवस्थाएं कैसी की जा रही हैं। जिला अस्पताल के बाद उन्होंने MDTB हॉस्पिटल में बने L2 अस्पताल का भी निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने बताया कि कोविड के कैसे इंतजाम हो रहे हैं, सभी व्यवस्थाएं कैसी हैं, उसका निरीक्षण हो रहा है। उन्होंने बताया कि यहां जो व्यवस्थाएं हैं उनसे वहां संतुष्ट हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की, जहां उन्होंने खाना दवाई सबसे ठीक मिलना बताया। वहीं सफाई व्यवस्था से भी वह संतुष्ट दिखे। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। निरीक्षण हो रहा है कोविड का, कैसा कैसे इंतजाम किए हैं जिलाधिकारी, और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ इस प्रकार का व्यवस्था है। और अभी भी पेशेंट से पूछे कि वो संतुष्ट हैं या नहीं, वो बोले कि पेशेंट से कैसे बात की, और वीडियो से बात की। और क्या 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 बताया उन्होंने? बताया कि सभी खाने का चीज़ ये है, सफाई सुथरा अच्छा है, दवाई ठीक से मिल रहा है और वो संतुष्ट हैं और ठीक लग रहा है। आज कहाँ कहाँ का दौरा किया आपने निरीक्षण? आज मैं पहले तो जिला स्तर पर बैठक लिया और पूरा को पूरा समीक्षा किया, कैसे कोविड का व्यवस्था किया जा रहा है जनपद में। तो जिलाधिकारी के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ में बैठक हुई और उसके बाद आके इधर का और बेहतर हो इसके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं? दिशा निर्देश हैं, सभी बिंदुओं पर हमारा बातचीत हुआ है। जो जो दिशा निर्देश है मैं उनको बता दिया हूँ DM साहब को, और वो अपने आप में सब चीज़ देख रहे हैं, ठीक ठाक से देख रहे हैं।